माँ, जब हम लुका छुपी खेलेंगे तो ऐसी कौन सी जगह है जो पति बाबू नहीं जानते होंगे? इसके लिए हमें हवेली से दूर जाना होगा, बहुत दूर। समझ गई मैं तेरी बात माँ। हम ऐसी जगह छुपेंगे जहाँ राक्षस, मतलब पति बाबू जान ना पाए कि हम कहाँ छुपे हैं, है ना माँ? चेहरा देखने वाला होगा पति बाबू का, मालूम है क्यों? क्योंकि हारना पसंद नहीं है उन्हें। पर बोंदेता से कोई लुका छुपी में जीत सकता है क्या? आज तो हारना ही पड़ेगा पति बाबू को। लेकिन माँ, आज रात के राजभोग का क्या होगा? वो सारी मिठाइयाँ और वो सब भोज जो लेने गए हैं पति बाबू, वो नहीं मिलेगा खाने को? मिलेगी ना बेटा, जब खेल खत्म हो जाएगा और हम जमाई बाबू से मिलेंगे, तब इनाम में ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगी तुझे। जी, माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तुझे दूर कर रही हूँ तेरे पति बाबू से। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? क्या बात है, बाजार में कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आज त्योहार है ना, तो सब लोग घर चले गए त्योहार मनाने। अनिरुद्ध बाबू, इतनी सारी मिठाइयाँ, जहाँ तक मुझे पता है आपको तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम कैसे नहीं जानोगे सर, बचपन के दोस्त हो मेरे, ये मिठाइयाँ मेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए? ये आज रात खाने के लिए लिए है मैंने। दरअसल गुस्से में वंदिता की माँ जी को थोड़ा ज्यादा कह गया मैं, बस अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता कि आपने छोटी मालकिन की माँ को कुछ कहा होगा। नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात। सौरभ, वंदिता की माँ उसे वापस गांव ले जाने की बात कर रही थी तो अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। तुम जानते हो ना, सही बात पर गुस्सा आ जाए तो सामने कौन है दिखाई नहीं देता मुझे। इसके अलावा भी घर पर कुछ गलत बातें हो रही हैं, पर अब तुम ही बताओ सौरभ, मैंने बोंदिता की जिम्मेदारी ली है तो क्या बीच में ऐसे ही छोड़ सकता हूँ क्या मैं? हाँ सौरभ, तुमने भी तो ली है ना संपूर्णा की जिम्मेदारी। अच्छा, मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते? उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे ही? पांच बकरी के लालच के लिए हमारा रिश्ता टूट जाएगा? नहीं ना सौरभ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते हैं उसके साथ। अगर आप चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी मायके हमेशा के लिए। कोशिश तो सब करते हैं कि अपनों के साथ खड़े रहे, होता तो वही है ना जो घर के बड़े तय करते हैं। अब आप ही देखिए, छोटी मालकिन और माँ जी गाँव जा ही रहे ना? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जा रहा हवेली से, मैंने सभी को मना कर दिया है। बल्कि इसीलिए आज रात हम सब एक साथ खाना खाने वाले हैं, मिठाइयां उसी के लिए तो लिया हूं। पर संपूर्णा के बाबा ने तो कहा था कि छोटी मालकिन और माँ जी आधे घंटे में गाँव के लिए निकलने वाले। बोंदिता को अपने साथ गाँव वापिस लेकर जाना होगा मुझे। मुझे आपसे चाहिए तो फिर मेरी माँ के साथ जाने दे। जमाई बाबू, अगर आप बाजार से छीने की मिठाई, बालूशनी और बेड़े ला देते, आज इस दीवार पर मैं आपके और आपके परिवार का मुंह मीठा करा सकूं। हम जा रहे हैं जमींदार बाबू, जमाई बाबू कभी भी लौट सकते हैं बाजार से,
बेहतर होगा उससे पहले हम लोग यहाँ से चले जाएं। हाँ जाओ जाओ। सुनो, कोशिश करना बहू की समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम हमारी बहू को वापस उसके ससुराल बुला सकें। और कोशिश करना कि उसे थोड़ा बहुत घर का काम और थोड़ा कैसे बात करते हैं, थोड़े संस्कार, मतलब उसके भले के लिए ही होगा ना ये सब। अच्छा तुम बुला लो बोंदिता को, हमने तुम्हारे जाने का सब इंतजाम करवा दिया। कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम की है। माफ करना समधी जी, पर अपनी बेटी की शादी बचाने की कीमत नहीं ले सकती मैं आपसे। मुझे विश्वास है आप वचन निभाएंगे अपना, और बोंदिता के ठीक होते ही फिर से उसे इस हवेली के बहू होने का मान सम्मान देंगे। बोंदिता, माँ लुका छुपी खेलने चले चले जल्दी। एरो, खेल शुरू होने से पहले खत्म ही हो गया। माँ काका ससुर जी जान गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं छुपने, अब वो बता नहीं देंगे पति बाबू को। काका ससुर जी पता चल गया ना आपको, मैं और माँ बिरिस्ता बाबू के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, पर आप उन्हें बताना नहीं कि हम कहाँ छुपे हैं। बेटे की जगह एक बार बहू का साथ नहीं दे सकते। बहू चलो बैठो यहाँ, हमें तुम्हारी आरती करनी है। आरती क्यों? आरती तो हम तब करते हैं जब लंबी यात्रा पर जाते हैं। याद है मुझे जब मामी एक बार दूर किसी रिश्तेदार से मिलने उनकी गाँव गई थी, तब उतारी थी आरती, है ना माँ? और हम तो बस लुका छुपी खेल रहे हैं। वैसे भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे पति बाबू, उसके बाद यूं आ जाऊंगी आपके सामने। बहू आरती इसलिए क्योंकि पता नहीं लुका छुपी का खेल कितना लंबा चले, और क्या पता तुम जहाँ छुपो वहां से ढूंढने में कितना ज्यादा समय लग जाए। अरे कई बार होता है हम खुद अपनी प्यारी चीज कहीं छुपा देते हैं और फिर उसे खुद ही नहीं ढूंढ पाते, तो ये आरती तुम्हें खोने से बचाएगी। पवित्र हाथों से हमें छूने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आपका हाथ ना पकड़ती तो गिर जाते आप पानी में, चोट लग जाती आपको। तुम ये दंड भुगतोगी ना बहू? सिर्फ ब्राह्मण अपमान के पाप का बोझ जो चढ़ेगा उससे तो हल्का ही होगा इस बोरी का बोझ। इस होरनी में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना होगा इस लड़की को। बस दो घंटे की बात है ना बहू, बीमारी दूर करनी है ना, अच्छी बहू बनना है ना, समस्या वाली बहू नहीं।
जो दंड देना है दे दीजिए मुझे काका सिसु जी, पर पति बाबू को दवा लगाने में मेरी मदद करेंगे ना? अनिरुद्ध की जिद और उसके गुस्से को संभालने वाली आ गई है इस घर में, अनिरुद्ध की पत्नी, हमारी बहू बोंदिता। बोंदिता घड़ी तुम्हें अनिरुद्ध ने दी थी ना? ये घड़ी लो, इस घड़ी में देखकर हर 2 घंटे बाद तुम पानी पियोगे। ये अपने पास अनिरुद्ध की निशानी के तौर पर रखो। निशानी क्यों? डरिए मत काका सिसु जी, इतनी दूर नहीं छुपूंगी कि घर का रास्ता भूल जाऊं। अब बच्ची थोड़ी ना हूं, बहू हूं इस हवेली की। बोंदिता ले ले बेटा। ठीक है माँ। चले ये तो अनिरुद्ध की गाड़ी की आवाज है। अरे जमाई बाबू इतने जल्दी कैसे आ गए? अब क्या करेंगे? तुम लोग एक काम करो, जाके पीछे कोठरी में छिपो, उसके सामने मत पड़ना। मैं तब तक उसे संभालता हूँ। जाओ जाओ जाओ। बोंदिता चल। लुका छुपी शुरू हो गई माँ। हाँ हाँ। चल छुप जाते हैं जल्दी से। माँ कहाँ हैं आप? आ जल्दी माँ, आ जा। बोंदिता माँ कहाँ हैं आप? बोंदिता ये तुक्का माँ, इस पर लुका छुपी में मुझे और माँ को ही जिताना, देखना कि वो ढूंढ नहीं पाए मुझे। बिहारी उसके बलहागो। अरे जा जल्दी। अरे जाओ। माँ कहाँ हैं आप? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। क्या हुआ बिहारी? बोंदिता कहाँ है? अरे बहुरानी जी, उनके माता जी अपने साथ ले गए मालिक। इस बार बिरिस्ता बाबू को हरा देना, ठीक है? बिहारी ये पोचा और बाल्टी तुम्हारे बैरिस्टर बाबू के लिए, उन्हें समाज से गंदगी दूर करने का बहुत शौक है ना, तो आज शुरुआत होगी घर से। बोंदिता डॉक्टर के पास ही जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। क्यों हम इंसान होकर भी अपने अंदर की इंसानियत मारते रहते हैं? क्यों? क्या होगा ये भारी चोट का इलाज करके? जब मन का घाव ठीक ना हो तो ये भारी चोट बहुत मामूली लगते हैं काका। ओहो, पर हारने पर तो बहुत दुखी होते हैं बिरस्ता बाबू। और पति बाबू दुखी हो तो मैं खुश कैसे रहूंगी? मैंने बहुत रोका उनको, पर वो नहीं मानी। वो सिर्फ यही कहती रही कि बहुरानी उनकी बेटी है और बेटी की भलाई के लिए वो अपने साथ लेकर जा रही है। वो लोग अभी अभी बाहर निकले हैं, उन ज्यादा दूर भी नहीं गए होंगे अब तक। छोटे मालिक आप किसी तरह करके उनको ले आइए वापस, ले आइए छोटे मालिक, ले आइए। मां जरूर गांव के लिए निकली होंगी,
उन्हें तुरंत रोकना होगा। बोनिता को नहीं ले जा सकती वो। तो ठीक है दुगामा, दोनों को ही जिता देना तुम, मुझे और माँ को और पति बाबू को भी। अनिरुद्ध आ गया था। हमने बिहारी को बोल के उसे बाहर भेजा है। थोड़ी दूर चला जाए तब हम तुम लोगों को निकाल देंगे यहाँ से। हैं? वैसे संध्या का समय हो गया काका ससुर जी, पर अब दुग्गा माँ की आरती करना कैसे भूल गए? दुग्गा माँ नाराज हो गई आपसे तो आपके मन का नहीं करेगी, फिर आप जो चाहते हैं वैसा होगा भी नहीं। अरे संध्या हो गई, 25 साल का नियम टूट जाता। अच्छा हुआ जो तुमने याद दिलाया बहू, शुक्रिया कि फिलहाल हम जो चाहते हैं बहुत जरूरी है वो होना। चल माँ शुरू करे लुका छुपी। तो वहाँ छुप है यहाँ छुपती हूँ। ये तो जमीन के कागज हैं और इन पे त्रिलोचन काका के हस्ताक्षर हैं। मतलब जमीन बोंदिता की माँ के नाम करके वो बोंदिता और उन्हें यहाँ से भेज रहे हैं। सुना है कि एक शादीशुदा लड़की की माँ उसके साथ आके उसके ससुराल में रहे, वो भी विधवा। शुद्ध करो, ये लड़की जहां जहां गई है सब शुद्ध करो, उससे पहले इस अशुद्ध लड़की को शुद्ध करो। उसकी ये गंदी आदत दूर हो जाए, इसीलिए तो भेज रहा था ना उसे मायके। इसलिए नतीजा हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। तांत्रिक बाबा को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें विश्वास है कि तांत्रिक बाबा का टोटका जरूर काम करेगा। Yeah.
कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे तुम्हारी बेटी के नाम की है। तेरा बाबू आ गए माँ। आवाज मत करना, कान बहुत तेज है पति बाबू के। चुप रहे। आपने माँ को मजबूर किया ना काका बंधुता को यहां से ले जाने के लिए। तभी कहा एक एक शब्द माँ का नहीं आपका था काका। उसकी समस्या को दूर करने का बस एक ही उपाय है जमाई बाबू। ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ वापस। बंधुता को अपने साथ काओ वापस लेकर जाना होगा मुझे। इसी में निरुद्ध की और तुम्हारी बेटी की दोनों की भलाई है जमाई बाबू। बंधुता के यहाँ से जाने में ही भलाई है, आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी। कैसे भी समझाओ अनिरुद्ध को और ले जाओ अपनी बेटी को एकादशी से पहले यहाँ से। और क्या ये सही नहीं होगा जमाई बाबू कि मैं आज रात ही बंधुता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाऊँ? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा काका? क्यों छल किया मेरे साथ? क्यों खेल खेला मेरे साथ काका? क्यों हारता हुआ देखना चाहते हैं अपने अनिरुद्ध को आप? क्यों काका क्यों? बिरिस्ता बापू दिखाई तो दे रहे हैं पर वो क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ था, एक 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 शब्द हमारा था। पर क्या करते हम? तुमने हमें कुछ और करने लायक छोड़ा था? दो दिन के बाद महा एकादशी है। तुमने अपने पिता से जो चुनौती स्वीकार की है ना, उसके निर्णय का दिन। क्या करते हम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने हमें हमारे धर्म और तुम्हारे मोह के बीच में फंसा दिया। ना हम अपनी पूजा अशुद्ध होते देख सकते हैं और ना ही तुम्हें मैं हारता हुआ देख सकते हैं अनिरुद्ध। मैं क्या जानता नहीं हूं कि तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? बचपन से देखा है तुम्हें, देखा है तुम्हारे मन का हाल। पाला पोसा है तुम्हें, अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारे बाप से ज्यादा। तुम्हें जीतने की आदत है, हर दौड़ में तुम प्रथम स्थान पे आए हो, हर बार, कभी हार ही नहीं। इस बार ये चुनौती हार के तो टूट नहीं जाते क्या? काका आपने ये मान कैसे लिया कि हार ही होगी मेरी? अब भी दो दिन थे ना मेरे पास, कोशिश कर रहा था ना मैं। खेल खत्म होने से पहले ही आपने निर्णय कर लिया कि अनिरुद्ध की हार ही होगी। ऐसा कहूं कि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं? नहीं 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 बेटा, भरोसा है तुम पे, बहुत भरोसा है। इस बार दौड़ में तुम नहीं भाग रहे। अरे तुम्हारे बस में ही नहीं है बहू की समस्या को सुलझाना, जिसकी चुनौती ले ली है तुम। तुमसे बहुत प्यार करते हैं अनिरुद्ध, इसीलिए हमने किया जो किया। काका बेटे के मोह में आकर जो आपने ये किया है ना, इसके कारण अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। जब भी अपने आप को देखूंगा हारा हुआ महसूस करूंगा काका। पता है ये सब करके आपने क्या किया? आपने साबित कर दिया कि आपकी नजरों में मैं नकारा और बेकार हूं।
आपने जता दिया कि मेरी बातों का कोई मोल ही नहीं आपके लिए, कोई मोल नहीं। समझ गया मैं कि आपको लगता है अनिरुद्ध सिर्फ एक बड़बोला है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बस बड़ी बड़ी बातें करता है, कर कुछ नहीं पाता। समझा दिया मुझे काका, मुझ में जीतने का दम ही नहीं। बता दिया मुझे कि मुझे सिर्फ हारना आता है काका, सिर्फ हारना। नहीं 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 मेरा बच्चा, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं अनिरुद्ध, माँ के मंदिर में खड़े होके ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते। जानता है ना, माँ सब सुन सकती है। आज तक कुछ मांगा है मैंने आपसे? नहीं ना, कभी कहा कि करिए मेरे मन की? नहीं ना। कहता भी कैसे, कभी सच्चे मन से पूजा ही नहीं की आपकी। बस जब भी काका ने कहा आदेश समझकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए आपके सामने। पर पता है मां, बोंदिता क्या कहती है? बोंदिता कहती है सच्चे मन से जो मांगो दुग्गा माँ से दुग्गा माँ देती है। उसने अपनी माँ मांगी, आपने दे दी उसे। ओ माँ, आज मैं भी सच्चे मन से हाथ जोड़कर आपसे मांग रहा हूं, दे दीजिए मुझे मेरे दो दिन। लाइए बोंदिता को वापस, दूर करने दीजिए उसकी परेशानी मुझे। बताइए मां, ला सकती हैं आप बोंदिता को वापस? बताइए मां, बताइए मां। दुर्गा मां आपसे पूछ रहा हूं, अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, बोंदिता के लिए मांग रहा हूं। पति बाबू दुग्गा माँ से जीतने की प्रार्थना कर रहे हैं। दुग्गा माँ पति बाबू को जिता देना, बोंदिता हार भी जाए तो चलेगा। घड़ी लो, इस घड़ी में देख कर हर दो घंटे बाद तुम पानी पियोगी। ये घड़ी तुम्हें अनिरुद्ध ने दी थी ना, ये अपने पास अनिरुद्ध की निशानी के तौर पर रखो।
हमें ढूंढी लिया ना पति बाबू। तूने सही कहा था माँ, कहीं और छुपते हैं। कोई नहीं जीत सकता पति बाबू से लुका छुपी में। वैसे दुग्गा माँ ने बताया ना आपको कि मैं यहाँ छुपी हूँ, क्योंकि आप हारते तो बहुत दुख होता ना आपको, इसीलिए तो बता दिया। पर कोई बात नहीं, हम भी जीते हैं। लुका छुपी खेलने के लिए तूने इसीलिए कहा था ना कि आनंद आए मुझे, खुश हो जाऊं मैं, तो बहुत 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 खुश हूं मैं। बंधुता, जाओ बिहारी से कह दो कि लुका छिपी का खेल खत्म हो गया है, तब हम सब के लिए खाना लगा दें, सब एक साथ खाएंगे। ठीक है। मेरे परिवार की ओर से मैं माफी मांगता हूँ, उन्हें आपको इस दुविधा में नहीं डालना चाहिए था। जानता हूं कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, कितना दर्द लेकर आपने निर्णय लिया होगा बंधुता को यहां से ले जाने का। ऐसे ना कहिए जमाई बाबू, आपके काका ने जो किया है वो सिर्फ आपके लिए ही किया है। जैसे मैं बंधुता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे ही आपके काका आपके खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं रहते। जमाई बाबू ऐसे ही होते हैं माता पिता, बच्चों को दुनिया से दूर रखने के लिए कभी कभी इतना ज्यादा कष्ट के समेट लेते हैं कि समझ नहीं पाते इसमें अपने बच्चों को ही चोट पहुंचा रहे हैं वो। जैसे मैंने आपसे बंधुता के लिए झूठ कहा है जमाई बाबू, आपको धोखा दिया है। नहीं माँ, मैं आपको कसूरवार नहीं मानता। जानती हूँ मैं, मेरी बंधुता बहुत भाग्यशाली है जो आप उसे मिले, ये परिवार मिला, ऐसे काका ससुर मिले जो अपने बहू के लिए सिर्फ भलाई सोचते। पर मेरी बंधुता के भाग्य में आप सब लोगों का और भी प्यार बाकी है, और अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए जमाई बाबू, जाने के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं माँ, हम सब के साथ बंधुता के साथ खाना खाए बिना नहीं। बात नहीं मानी तो घर और नौकरी दोनों छोड़नी पड़ जाएगी। बैलगाड़ी भर के सामान तो लाई नहीं थी मायके से, फिर इतना समय क्यों लग रहा सामान बांधने में? आप थोड़ा जल्दी चलाओ। मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते?
उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे? नहीं ना सौरभ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते हैं उसके साथ। मैंने कहा जल्दी हाथ चलाओ। नहीं, कहीं नहीं जाएगी संपूर्णा। पत्नी है वो मेरी, जिम्मेदारी है। ऐसा कैसे मुंह मोड़ सकता हूं इससे? ना लायक कहीं के। इसके पहले कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, मैं कुछ कर दूं, दूर हो जाए मेरी नजरों के सामने से। ये नाटक कहीं सचमुच महंगा ना पड़ेगा। बुढ़ा मुंशी अगर नहीं माना तो कहीं सचमुच लटकता ना। जल्दी संभी जी, संभी जी जल्दी आ जाएगी, देखिए वो क्या कर रहे हैं। माँ संभी जी, संभी जी कोई बचाइए। माँ मत कीजिए ऐसा। माँ उतर जाइए, क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? अब कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अरे नहीं ठीक हूँ मैं, मुझे नहीं जीना है, मैं मरना चाहता हूँ। अरे कौन बाप होगा जो अपनी अपनी फूल जैसी बेटी का घर टूटते हुए देखना चाहेगा? बाबा रुकिए, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? इनको रोकिए ना। क्यों नहीं रोकते हो काली माँ? आपको 5 बकरियां चाहिए ना, ये लीजिए लीजिए, इससे एक बकरी तो आ जाएगी ना। उससे कम हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपको 4 बकरियां भी दे देंगे, इनको बचा लीजिए। इतना क्या सोच रहा है बुढ़ा मुंशी? मेरे लटक जाने के बाद रोकेगा क्या मुझे मरने से? अगर मैं विधवा हो गई तो आपको पता है ना क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सौरभ जमाई बाबू को, बिल्कुल वैसे जैसे हरिदेव जमाई बाबू सुमती दीदी की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे संभालना पड़ेगा आपके परिवार को, सौरभ जमाई बाबू को। नहीं 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 नहीं, हम लोग आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब नहीं ले सकते। ये नाटक तो काम कर गया काली माँ। ठीक है आप आ जाइए नीचे, देते हैं समय, लेकिन थोड़ा सा। समधी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महान है आप समधी जी, महान है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरा मतलब है कि आपकी हर खुशियों को पूरा करे संधि जी। आप संधन जी, तब तक तो एक बकरी तो हो जाएगी इससे। अपना अपनी गृहस्थी संभाल लेना और जितना जल्दी हो सके पत्नी का सुख देना जमाई बाबू को, और पोता दे देना इनकी गोद में। इस बार तो अपनी बेटी की गृहस्थी को बचा ली मैंने त्रिया चरित्र से, पर बेचारी सुमती दीदी उसे तो ये सब आता ही नहीं, बेरंग लिफाफे की तरह मायके लौट आएगी अब कौन दीता। अच्छा है आने दो, बहुत उड़ रहे थे ना दोनों, रॉय चौधरियों से रिश्ता जोड़कर सारे पर नोच डालूंगी इस बार।
तरकती बिकलाती जमीन पे ना गिरी तो कहना। तू क्यों जा रही है माँ? मुझे तो लगा था कि तू अब बोंडता के साथ रहेगी। दुग्गा माँ ने तुझे मेरे लिए भेजा था ना? अब तू जाएगी तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बोंदिता, तूने माँ दुग्गा से क्या मांगा था बेटा? मदद करो ना अपनी बोंदिता की दुग्गा माँ, भेज दो ना कोई फरिश्ता। एक फरिश्ता ना जो तेरे साथ हमेशा रहे, तेरी बात सुने, तुझे संभाले, तुझे समझे और तेरी हर परेशानी दूर कर सके। और जब मैं यहाँ आई तुझे लगा वो फरिश्ता मैं ही हूँ। हाँ, तुझसे ज्यादा और कोई करता है मुझे प्यार? तुझसे ज्यादा किसी और को चिंता है मेरी? है ना तेरे पति बाबू? दुग्गा माता का आशीर्वाद है कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। इसलिए तुझे यही रहना है उनके साथ। पर तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी माँ? बात करेंगे ना, जब भी तुझे मेरी याद आए तो वो तूने क्या दिखाया था, वो तार वाला डब्बा, इसे टेलीफोन कहते हैं। टेलीफोन उसे बात कर लेंगे, मैं जहां पर भी रहूंगी मैं सुन लूंगी बोलने तो। शक्ति, शक्ति तब तो रोज बात करूंगी तुझसे, बताऊंगी तुझे। तू भी कह देना जो तेरे मन में हो, सुन लूंगी मैं यहाँ पर। इसका मतलब औंधी तो हमारे साथ घर वापस नहीं आ रही है। जमाई बाबू ने फिर से रोक लिया सबसे लड़के इस लड़की को, अखुन की होबे। इसलिए कहता था स्मृति बहन से सीखो कुछ, संपूर्णा बिटिया के साथ जो हो रहा है ना सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल। से दूर बेटा, मायके छोड़ना धर्म है स्त्री का। माँ को छोड़ना धर्म है? रह लेगी तो मेरे बिना या नहीं आएगी मेरी? आपसे विवाह करने की दो शर्तें हैं मेरी। ये रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। मुझे तो चाहिए माँ, इसलिए जब तक जवान नहीं मिलता मेरे होने वाले पति से, हल्दी की रस्म ना करने की कसम लेकर कुछ गलत कर रही हो क्या?
आने वाली है मेरे पास रहने, उसे बड़ी खिड़की वाला बड़ा सा कमरा दूंगी। जैसे मुझे रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है, उसे खिड़की से आती हुई हवा खाना बहुत पसंद है। मेरे ससुराल वालों की इतनी बड़ी बाड़ी है, दिख रहा है ना तुझे कितना अच्छा है मेरा घर। अब से हम दोनों पति बाबू की बाड़ी में मजे से एक साथ रहेंगे, एकदम खुश खुश, है ना माँ? मैं आपके और बोंदिता के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं वचन देता हूं उसकी समस्या का हल जरूर निकालूंगा।